हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शेषपाल ब्लॉग पर। तो देखिए, यह है मॉर्निंग टाइम और नैना की चल रही है क्लास। उसकी क्लास 8:30 बजे के आसपास लग जाती है। तो अभी हम लोग पियेंगे चाय और यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो ये नई चिड़िया लेकर के आए हैं इनके बारे में। ये बोल रहे थे कि इनको ना बाहर रख देता हूँ, तो हमने कहा हाँ रख दो, दिल्ली ले जाएगी आकर के। हंसी मजाक कर रहे थे हम तो। तो चिड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं देखने में, बहुत प्यारी, और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। जैसे डोरबेल की आवाज़ होती है ना, सेम वैसी आवाज़ है। वहाँ चले? हाँ, आपके साथ जाएगा। आज वो बनाया ना साबुत बाने की खीर बनाऊँ आज। ले ले कुछ और ले नहीं, बंद कर दे। ओए, हैप्पी को देख के डर गई है ना ये तो। नए वाली चिड़िया जैसे हैप्पी पास गया ना, तो फिर तुम मचा दी पिंजरे के अंदर। हैप्पी इधर आ जा बेटा। तो जोकर बोलो सना जे, बोलो बेटा लाओ मैं निकाल। सोना तो स्टंट करेगी है ना। बोल रही ना मैम आपसे, पढ़ा करो मेरे साथ बैठ के। बिल्कुल मुझे ही पढ़ना आ जाएगा आपके साथ साथ, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो चलो चलो काम करो फिर। मैम बोलेगी अल्पना आप क्लास में मस्ती क्यों कर रहे हो? देखो जल्दी करो, सब बच्चे कलरिंग करेंगे, आप पीछे रह जाओगे फिर। हाँ, बाहर नहीं निकालना बस कलर, ब्लैक लाइन के अंदर अंदर रखना कलर। पिंक लाइन है, पिंक लाइन है। ओके ओके। क्लास चल रही है सोना की। तो आज मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर है स्किन वाला, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो एक बार मैं स्किन वाले डॉक्टर को भी दिखा करके आ जाती हूँ। तो फिर मैं वहीं जाऊंगी, और क्योंकि मुझे इन्हीं के साथ जाना है, ये बोले कि मैं भी उस तरफ ही जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप फिर मेरे को रास्ते में छोड़ देना, अब मैं रिक्शा क्या करूँगी ना, जब आप भी जा रहे हो तो फिर मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। तो बस अभी ये गए हैं ऊपर वाले रूम में, अभी थोड़ी देर में आएंगे फिर हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। मैंने कहा चलो तब तक जो कमरा फैला हुआ है ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल अभी नैना नहीं सोना की क्लास लगकर हटी थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, तो ऐसे करते करते थोड़ा देरी हो गई है। तो डॉक्टर का टाइम है देखो 12:30 से 1 बजे तक बैठेगा वो, देखती हूँ तब तक पहुँच पाती हूँ नहीं पहुँच पाती हूँ। मतलब डॉक्टर कहीं ऐसा ना हो ना जैसे आँख वाले डॉक्टर कह रही थी कि नहीं नहीं आपको जल्दी आना था, आप देर से आए हो, आपको पहले पर्ची कटानी चाहिए थी, कहीं ये भी ऐसे ना करें। तो चलिए चल के पता लगेगी वो तो कि क्या होता है और क्या नहीं।
तो फिर बताती हूँ मैं आकर के आप लोगों को ना कि डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास। खाना नहीं खाओगे रात को? देखूंगा क्या होता है, तुमने बहुत ज्यादा दे दिया है। है भाई ये बात है क्या? ये बात गलत है तुम लोगों की। हैप्पी जी को सोने से फुर्सत नहीं है। क्यों परेशान कर रही हो ने? यार ये मेरे को सफेद वाले इतने क्यूट लगते हैं, मुझे नजर ना लगता। घुसते बैठ जाएगी पढ़ने के लिए। आज रात के खाने में मैं बनाऊंगी मटर पनीर की सब्जी, तो बस उसी की तैयारी मैंने कर रखी है। तो ये देखिए ये है मखाने जिन्हें कि मैंने बीच में से काट लिया है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो हो सकता है सुरहरी वगैरह हो रखी हो। तो बस मैंने यही चेक करने के लिए इसे दो तीन पीसेस में कर करके देखा कि सुरहरी तो नहीं हो रखी है। और अब मैंने देसी घी लिया एक चम्मच के आसपास और मैं इनको हल्का फ्राई कर लूँगी, थोड़ा मतलब कुरकुरे कुरकुरे से हो जाएं ये कुरम कुरम उतना करूँगी इनको, और फिर ऐसी सब्जी में डालूँगी और कुछ बच्चे भी खा लेंगे। और अब मैंने ये तेल लिया है सरसों का, डेढ़ चमचे के आसपास तेल है, और जीरा चटका दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज और ये लहसुन, इसको भी अच्छे से भून लूँगी। और ये सब मैंने चॉपर में ही चॉप किया है, पेस्ट नहीं बनाया आज मैंने किसी भी चीज़ का ना। और तो ये देखिए प्याज भी भून गई है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी मसाले। तो ये डालूंगी मैं पहले कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि इससे सब्ज़ी में कलर अच्छा आता है, और ये नॉर्मल मिर्च जो हम खाने में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और ये है हल्दी, तो ज़्यादा हल्दी नहीं डाली है मैंने, क्योंकि फिर ज़्यादा येलो येलो भी अच्छी नहीं लगती सब्ज़ी। वैसे तो क्रीम डालूंगी मैं इसमें, थोड़ा कलर और लाइट हो जाएगा इसका ना। और ये देखिए टमाटर है, टमाटर को भी मैंने चॉपर में ही चॉप किया था। तो अब क्योंकि मैंने टमाटर अब डाला है, तो अब मैं डालूंगी नमक, ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाए। और इसको अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए बस हमारा मसाला तेल छोड़ने लगे, ये देखिए मैं इसमें नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से भून दूँगी। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी क्रीम, तो एक बड़ा चमचे के आसपास मैंने क्रीम ली है जो कि मैंने टमाटर के अंदर डाल दी है इस सब पेस्ट के अंदर, और इसको अच्छे से भून लूँगी। और इसके बाद फिर मैं लूँगी मटर। मटर को ना मैंने उबाला नहीं है, मटर ना कच्ची ही है। अगर आपको जल्दी सब्जी बनानी है तो आप मटर को बॉयल भी कर सकते हैं, पर मैंने बॉयल नहीं किया, मैंने सोचा ऐसे डाल देती हूँ, जब तक मैं रोटियाँ बनाऊँगी तब तक मटर अच्छे से गल जाएगी। तो इसलिए मैंने ये सब मटर और ये मखाने
इकट्ठे डाल दिए हैं, अब इनको थोड़ी देर मसाले के साथ ही भूनूंगी। अभी पानी नहीं डाला है मैंने ना, पहले इनको अच्छे से 5 मिनट तक ऐसी इसके साथ ही पकने दूंगी अच्छे से ना, ताकि अच्छे से पक लें, इनके अंदर भी अच्छे से सारी ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो चला जाए। और तो बस अब मैं इसको थोड़ी देर ढक करके पकाऊंगी। ये देखिए, और ये पनीर है, आधी किलो के आसपास पनीर रहा होगा। और ये देखिए पूरा तेल छोड़ दिया मसाले ने, और ये भुन गई है अच्छे से ना। तो मैं फोड़ के देख रही थी इस तरीके से ना, तो पता नहीं चल रहा था, फिर मैंने हाथ से फोड़ के देखा तो वो भी थोड़ी थी कसर उसके अंदर ना, मतलब ऐसे बिल्कुल गला नहीं था एकदम से। तो फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया कि अभी पानी के साथ पकती रहेगी। तो तब तक मैं अपना आटा लगा लूँगी और फिर रोटियाँ सेकूँगी। जब तक रोटियाँ बनेंगी तब तक ये अच्छे से गल जाएगी और फिर मैं इसके अंदर पनीर डाल दूँगी। तो अभी मैं आटा छान रही हूँ, बस इसे मैंने पलौधा निकाल लिया है आटे में से ही। और देखिए बस मैंने एक ही बारी में जितना पानी डाला ना, सारा आटा उसी के अंदर घुस गया, मुझे दोबारा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और पूरा का पूरा आटा एक ही बारी में, मतलब उतना ही पानी लगा जितना मैंने डाला था। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मुझे और एक बूंद, मैंने एक बूंद पानी भी नहीं लिया अलग से ना। तो बस इसको आटे को अच्छे से मल लूँगी। मलने के बाद बस ज़्यादा देर तो मैंने आज रेस्ट नहीं कराया आटे को ना, क्योंकि उधर मेरी सब्ज़ी भी रखी हुई थी गैस पे, और थोड़ा मैंने देर से खाना बनाना स्टार्ट किया था तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही होने वाला था। तो 9 बज चुके थे। तो जी देखिए, सब्जी बनकर तैयार है और रोटियाँ भी बन चुकी हैं। तो अब हम करेंगे डिनर, आप लोग भी आ जाइए। तो देखिए अच्छी बनी थी सब्जी ना। तो चलिए बस अब इस वीडियो में इतना ही। और ये देखिए इन चिड़ियाओं को कैसे लाइन से बैठी हुई हैं। तो बस मैं जा रही थी ऊपर सारा काम फिनिश करने के बाद, मैंने देखा लाइन से बैठी, चलो इनकी भी एक पिक ले लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब कल मिलते हैं एक नए दिन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।